वेलकम बैक टू आरबी क्लासेस स्टूडेंट्स. आज हम क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ़ सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, D x such that x is a prime number. ये आपको चार सेट गिवन है, आपने फाइंड करने हैं. ये जो आपको नीचे गिवन है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले आप इनको बना लीजिए. जैसे A सेट है नेचुरल नंबर, तो A सेट क्या है आपका? 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 4, 5 ऐसे ही ये चला जा रहा है. हमें कोई लिमिट तो बताई नहीं है कि कहाँ तक है. तो A सेट आपका ये हो गया. बी सेट आपका क्या है? इवन नंबर, सेट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर. तो इवन नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8 इसी तरीके से चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक है. उसके बाद सी ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो ये कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7 है ना, इसी तरीके से चले जा रहे हैं. तो डॉट डॉट डाल देना आगे. फिर डी आपका प्राइम नंबर है, तो ये कौन सा होगा? 2, 3, 5 डॉट डॉट डाल दो आगे, है ना. अब देखो ये हमने बना लिए अपने सेट, ठीक है. अब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है. ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते थे हम? जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको लिख देते थे, वही इंटरसेक्शन होती थी. तो यहाँ पे ए सेट आपका ये है, बी सेट ये है. इंटरसेक्शन जब करेंगे जो सेम आ रहा है वो यहाँ पे लिखोगे आप. तो सेम इसमें क्या आएगा? यहाँ पे 2, 4, 6, 8 जो है इवन, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ही सेम आएंगे इनमें, है ना. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2, 4, 6, 8 वन तो नहीं ना आ रहा यहाँ पे, तो इसी तरी इसीलिए यहाँ पे आगे डॉट डॉट. तो ये क्या बन रहा है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है ना. तो क्या बन रहा है? ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. यहाँ आप ऐसे लिख दो, यहाँ आप एक लाइन में लिख दो कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. तो इवन नेचुरल नंबर है तो ये कौन सा बन गया? अगर ये सेट है तो ये सेट b नहीं बन गया? देखो यही बन रहा है ये, तो इसको हम इजिक्वल्स टू b भी लिख सकते हैं, ठीक है. a इंटरसेक्शन c जब हम निकालेंगे, a इंटरसेक्शन c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑड आ जाएंगे, क्योंकि 1, 3, 5, 7 है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ही तो हमने इंटरसेक्शन में कॉमन ही तो लिखना होता है. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर. और ये क्या, कौन सा सेट था हमारे पास? ये सेट हमारे पास c था, नेचुरल नंबर. तो इसको मैं c भी लिख सकती हूँ ना. उसके बाद a इंटरसेक्शन d करो. जब आप a इंटरसेक्शन d करोगे तो यहाँ पे कौन से कॉमन आने वाले हैं? 2, 3, 5 प्राइम नंबर. तो यहाँ पे प्राइम नंबर ही आएंगे ना कॉमन. देखो 2, 3, 5 इधर इसके पास भी होगा, है ना, इधर भी 2, 3, 5 कॉमन आएंगे. जो दोनों के पास है वही लिखेंगे हम इंटरसेक्शन में, तो बस वही लिखेंगे. तो ये क्या बन गया? ये सेट ऑफ प्राइम नंबर नहीं था? तो ये आएगा x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर. और ये कौन सा सेट था हमारा? d सेट था. तो मैं इसको डायरेक्टली d भी लिख सकती हूँ, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी निकालो. ये रे बी के एलिमेंट, ये सी के एलिमेंट. जो कॉमन आता है वो यहाँ पे लिख दो. तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? ये देखो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा. तो जब कुछ कॉमन ना आए तो वो क्या, उसको यहाँ हम खाली ऐसे छोड़ेंगे या फिर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फाई से. बी इंटरसेक्शन डी कर लो. बी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही कॉमन आ रहा है बस. तो ये इसकी इंटरसेक्शन होगी 2. सी इंटरसेक्शन डी करेंगे. जब हम सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3, 5, 7 ये सब कॉमन आएंगे, है ना, 1 नहीं आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, 5, 7. तो ये कौन सा सेट बन रहा है हमारे पास? ये क्या बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ऑड
और प्राइम नंबर, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दिए हैं सेट्स के, और आपने बताना है कि वो इनमें से कौन सा सेट है जो डिसजॉइंट है। तो बच्चे डिसजॉइंट क्या होता है, किन्हीं दो पेयर्स को, सेट ऑफ पेयर्स को हम डिसजॉइंट तब बोलते हैं अगर उनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर आए, फाई के बराबर आए, तब हम बोलते हैं कि वो दो सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, पहला एक सेट तो हमें दिया है 1 2 3 4, और सेकंड सेट हमें क्या दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 और लेस दैन इक्वल टू 6। यानी कि हमारे पास ये जो दूसरा सेट है ये 4 से लेके 6 तक है, 4 5 6, यही होगा। अब इन दोनों की आप कर लो इंटरसेक्शन, सपोज करो मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये सेट ए है ये सेट बी है, इसकी इंटरसेक्शन करो ए इंटरसेक्शन बी। जब आप ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो तो आपको पता है इंटरसेक्शन में जो सेम दोनों के पास हो वो एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भी 4, और कुछ है कॉमन नहीं है, तो 4 ये इनकी इंटरसेक्शन आई। अब ये 4 आ रही है इनकी इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये दोनों पेयर्स डिसजॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पे फाई आता, इसमें कुछ भी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम यहाँ पे फाई लिखते, तब ये क्या होना था, डिसजॉइंट होना था। तो ये जो सेट है, पेयर ऑफ सेट्स है, ये डिसजॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन आपको दे रखा है ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखो यहाँ पे ई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इनकी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, अगर हम इसको ए मानो इसको बी मानो, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, है ना। तो इधर भी फाई नहीं आ रहा है ना, मतलब कि फाई आना चाहिए। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ रही है इनकी इंटरसेक्शन, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। थर्ड वन देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है, 2 4 6 कहाँ तक है हमें नहीं पता, और दूसरा वाला है ऑड इंटीजर, 1 3 5 7 सो ऑन। अब इनकी इंटरसेक्शन करो, चलो इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, इसको वाई मान लेती हूँ। अब करो एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो जब आप इसकी इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन करोगे कुछ भी सेम आ रहा है, कुछ सेम नहीं आ रहा इसमें, ये इवन है और ये ऑड है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो इसको हम खाली छोड़ेंगे या फिर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो सेट जो हैं, पेयर ऑफ सेट जो हैं, ये क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर आ रही है, फाई के बराबर आ रही है। तो हम बोलेंगे इट इज पेयर ऑफ, यस भी लगाना, यस इट इज पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, इफ ए इज इतना 5, बी इज ये एलिमेंट्स दिए हैं, सी के ये एलिमेंट दिए हैं और डी के ये एलिमेंट दिए हैं, आपने निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आप कैसे निकालोगे, ए माइनस बी हमेशा कैसे निकालना है, जो इस तरफ दिया है ना ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी वाले लिख लो, तो वही हमारा ए माइनस बी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ए के एलिमेंट गिवन है, बी के एलिमेंट गिवन है, बी का एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट्स लिख दो, तो वो हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 8 12 16 20 है, यहाँ पे कोई भी सेम एलिमेंट है यहाँ पे, हाँ 12 है, और कोई है, 12 है, 12 के अलावा कोई नहीं है, तो जो 12 है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो वो हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या आएगा हमारा, 3 6 9 15 18 और 21, ठीक है।
इसी तरीके से ए माइनस सी निकालेंगे हम, ए माइनस सी यानी कि सी के जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है उनको नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखना है। तो यहाँ पे टू है, नहीं है, फोर भी नहीं है, सिक्स यहाँ पे है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, एट यहाँ पे नहीं है, टेन भी नहीं है यहाँ पे, ट्वेल्व है, फोर्टीन सिक्सटीन जो एलिमेंट यहाँ पे है ना इसके वो आपने नहीं लिखने, यानी कि सी के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट होंगे वो आपने नहीं लिखने। तो देखो थ्री सिक्स नहीं लिखना, नाइन लिख लो, ट्वेल्व नहीं लिखना, फिफ्टीन लिख लो, एटीन लिख लो और ट्वेंटी वन लिख लो, ये हो गया ए माइनस सी। ए माइनस डी करो, डी के जो एलिमेंट यहाँ पे, तो देखो लिखो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन नहीं लिखना, एटीन लिखो और ट्वेंटी वन लिखो, ठीक है। उसके बाद बी माइनस ए, चलो बी माइनस ए आ गया। अब जो ए के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो नहीं लिखने, बाकी सब लिखना है। तो चलो फोर एट सिक्सटीन ट्वेंटी, ठीक है, ट्वेल्व ही था ना यहाँ पे भी। अब सी माइनस ए करो, सी माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, ये सी के एलिमेंट और ये ए के एलिमेंट जो इधर प्रेजेंट है वो नहीं लिखने, बाकी सारे लिखने। टू फोर सिक्स ए का है, नहीं लिखेंगे, एट लिखो, टेन लिखो, ट्वेल्व ए का है, नहीं लिखेंगे, फोर्टीन लिखो और सिक्सटीन लिखो, ये आ गया सी माइनस ए। अब डी माइनस ए करो, डी माइनस ए, फाइव टेन फिफ्टीन नहीं लिखेंगे, ट्वेंटी लिखेंगे, ठीक है, उल्टा चलना होता है। अब b माइनस सी आ गया आपका, b माइनस सी कैसे करोगे, b माइनस सी यानी कि ये एलिमेंट जो c के एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे वो नहीं लिखने, ठीक है। तो b के एलिमेंट देखते जाओ, फोर वहां पे प्रेजेंट है, फोर नहीं लिखेंगे, एट भी नहीं लिखेंगे, ट्वेल्व भी नहीं लिखेंगे और सिक्सटीन भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक सिंगल आएगा ट्वेंटी, ठीक है। b माइनस डी करो, बी माइनस डी करेंगे तो कौन से आएंगे बी में, फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, बस है ना, ट्वेंटी यहाँ पे है तो वो नहीं लिखेंगे। अब सी माइनस बी कर दो, सी में से बी को माइनस कर दो, तो ये बी के है ना, फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, इसको छोड़ दो, बाकी सबको लिखो, टू सिक्स टेन और फोर्टीन, बस ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही डी माइनस बी लिखेंगे हम, डी माइनस बी, तो डी के एलिमेंट देखते जाओ, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्वेंटी बी में है। C माइनस डी करो, C माइनस डी में सिर्फ एक 10 नहीं आएगा, बाकी सारे लिख देने हैं, ठीक है। तो C माइनस डी क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। D माइनस सी करो, C माइनस डी की आप D माइनस सी करो, ये D माइनस सी भी क्या आएगा, देखो 10 नहीं लिखेंगे हम, बाकी सारे लिखेंगे, बाकी सारे किसके लिखेंगे, डी के, जो फर्स्ट नंबर पे दिया उसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो ये आएगा फाइव फिफ्टीन और ट्वेंटी, क्योंकि टेन यहाँ पे है ना, तो वो नहीं लिखना है, बस ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेंथ है आपका, क्वेश्चन नंबर टेंथ है, देखो एक्स सेट दिया है आपको, वाई सेट दिया है, एक्स माइनस वाई निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया ना एक्स माइनस वाई कैसे निकालना है आपने, जो y के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनको नहीं लिखना, बाकी सबको लिख देना है x वालों को। तो यहाँ पे देखो f b d g, b यहाँ पे d है, b d है y का, बाकी सारे हैं, बाकी सारों को ऐसे एज इट इज़ लिख दो, a और c, क्योंकि y के जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो नहीं लिखने, तो ये हो गया x माइनस वाई। ऐसे ही y माइनस x करो, y माइनस x यानी कि जो a x के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो नहीं लिखने। तो x के एलिमेंट यहाँ पे कौन से प्रेजेंट है, b और d ही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे f और g आएगा,
एफ और जी। फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब दोनों के पास जो एलिमेंट है, तो दोनों के पास कौन सा एलिमेंट है, बी भी है और डी भी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी और डी, ये आ गई इसकी इंटरसेक्शन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर आपका सेट है रियल नंबर और क्यू है सेट रैशनल नंबर, तो आर माइनस क्यू क्या होगा भाई, अगर आर आपका सेट है रियल नंबर्स का और क्यू आपका सेट है रैशनल नंबर्स का, तो पीछे कौन सा बच गया, अगर मैं इनमें से इसको माइनस कर देती हूँ तो पीछे कौन से बच गए, सारे इरेशनल नंबर्स नहीं बच जाएंगे, तो ये आर माइनस क्यू आ जाएगा आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12th है आपका, यहाँ पे आपने ट्रू फॉल्स बताना है, क्या बताना है, ट्रू फॉल्स आपको दो सेट ऑफ पेयर्स दिए हैं, बताना है डिसजॉइंट है या नहीं है, क्या ये डिसजॉइंट है, देखो इनमें तो इसमें थ्री थ्री कॉमन आ रहा है, और डिसजॉइंट क्या होता है, वो दो सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन, कोई दो सेट जैसे ए बी है, इनकी इंटरसेक्शन अगर फाइव के बराबर आती है तो वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं, वो सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन थ्री आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, तो ये आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ए कॉमन आ रहा है, तो ये भी, ये बोल रहा है डिसजॉइंट है, तो ये भी फॉल्स आएगा आपका। अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, ये 2, 6, 10, 14 है, और ये 3, 7, 11, हाँ ये डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय फाइव के, है ना, इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आएगी, इसका मतलब ये ठीक कह रहा है, तो ये आपका ट्रू आएगा। फोर्थ पार्ट है 2, 6, 10, 3, 7, 11, देखो ये भी इवन नंबर चल रहे हैं और ये ऑड चल रहे हैं, तो ये इनमें भी जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी, फाइव, इसका मतलब ये भी सही बोल रहा है, तो ये क्या है, ट्रू। तो इसी के साथ 1.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।